हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपके मोबाइल में भी कोई भी ऐसा ऐप इंस्टॉल हो चुका है जिसे आपको पता भी नहीं है और वो आपके मोबाइल डेटा को जल्दी ही ख़त्म कर देता है। आप देखते हो कि एक मतलब उठते ही आप देखते हो कि आपका डेटा मतलब 10 मिनट यूज़ करने के बाद ही आपका 50% डेटा यूज़ हो जाता है। आप सोचते हो कि मोबाइल तो यूज़ किया नहीं है, लेकिन आपका मोबाइल डेटा कहाँ पर गया है। आप मोबाइल में ऐप में भी ढूंढते हो कि आपको कोई भी ऐप ऐसा तो नहीं है जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख जाए कि वो आपका डेटा खर्च कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो ऐसे ऐप होते हैं जो आपके स्क्रीन पे नहीं दिखते हैं, ना ही आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में मिलेंगे, ना ही आपको यहाँ पे अपने मतलब स्टोरेज में मिलेंगे। वो आपको कहाँ पे मिलेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देने वाला हूँ। वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में ऐसा ऐप तो नहीं है जो आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में डेटा लेता रहता है, वो आपके मोबाइल का डेटा मतलब हैक करता रहता है और अपना मतलब खींचता रहता है, ठीक है। अब वो आपको कैसे ढूंढना है, आपको अपनी जाने अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ऐप्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं भी दिख रहा है तो आप यहाँ पर ऊपर सर्च भी कर सकते हो, AWPS, ठीक है। ऐप्स से लिख के सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर क्लिक कर लेना है, ऐप्स के ऑप्शन में क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी हम जा सकते हैं ऐप्स में, तो यहाँ से भी आपको यही सेम वहीं पर आएगा आ जाओगे, ठीक है। ऐप्स में आने के बाद ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, फर्स्ट नंबर पे आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप याद देखो आपके मोबाइल में जितने भी ऐप हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, यहाँ पे तो मेरे को कोई भी ऐप नहीं दिखा। तो यहीं पे है, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे मिलेगा। इसी पे ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको खाली जगह दिख रही होगी, खाली जगह दिख रही होगी लेकिन आपको ऐप नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है आपको यहाँ पर खाली जगह पे, यहाँ पर अभी अमेजोन दिख रहा है मेरे, लेकिन आपको यहाँ पर खाली जगह दिखेगी थोड़ी सी, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऐप मतलब हाइड करके मतलब मिलेगा, उसका फोटो नहीं होता है, ओनली फॉर फोटो नहीं होता है। आप यहाँ पर नीचे ही डायरेक्ट जाते हो, ऊपर ध्यान नहीं देते हो। यहाँ पर ऐप पर क्लिक करना है और यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। वह ऐप आपके बैकग्राउंड में डेटा हैक करता है, आपको पता भी नहीं चलता है। इस तरीके से छिपे हुए ऐप को यहाँ पर आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पर सेटिंग में जाकर क्लियर मोबाइल डेटा क्लिक कर देना है, ठीक है। मोबाइल डेटा को क्लियर डेटा कर देना है, आपको फैक्ट्री डाटा रिसेट नहीं करना, ठीक है। जैसे छोटा मोटा जो भी आपका मोबाइल में बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स वगैरह हैं या फिर छोटे मोटे जो भी मतलब वायरस वगैरह वो भी क्लीन हो जाएंगे। तो गाइस आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो में अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में।